भजन संहिता अध्याय 23। भजन संहिता अध्याय 23। जब तू किसी हकीम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू खाऊ हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? उस उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाहा से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता है कि खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुराने सिवानों को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़वाने वाला सामर्थ्य है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी न मारे तो वह न मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो विशेष करके मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के लिए मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल रहेगा, फल मिलेगा, क्योंकि तेरी आशा न टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और खाओ अपना भाग खोते हैं और पिनकने वालों को चिथड़े पहने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसको तुच्छ न मानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो जाए। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकेत कुएं के समान है। वह डाक की नाई घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसाता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है? उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका रंग सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है और करैत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा, और तू समुद्र के बीच लेटने वाले व मरतलू के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाए परंतु दुखित न हुआ,